कोलकाता नाइट राइडर्स को रन कर चेन्नई सुपर किंग टीम पहुंची है टॉप पर। ईडन गार्डन में रहा है रहाणे का तूफान। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का इसके स्पोर्ट के और नई वीडियो में। दोस्तों आज के मैच की क्या है पूरी हाइलाइट दिखाएंगे सब कुछ इस वीडियो में, लेकिन अगर आप महेंद्र सिंह धोनी के फैन और चेन्नई सुपर किंग टीम के जीत से खुश हैं, इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। और चैनल पर पहली बार है तो दोस्तों आईपीएल से जुड़े छोटे बड़े अपडेट देखते रहने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए दोस्तों बिना किसी देरी के वीडियो में बढ़ते आगे, देखते हैं आज के पूरे अपडेट। दोस्तों दिग्गज महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी वाली चेन्नई सुपर किंग टीम ने आईपीएल 2023 के मुकाबले में रविवार को कोलकाता नाइट राइडर्स पर 49 रनों की भारी अंतर से जीत दर्ज की है। दोस्तों चेन्नई सुपर किंग टीम पहले बल्लेबाजी का न्योता मिलने के बाद 20 ओवर में 4 विकेट के नुकसान पर 235 रनों का विशाल स्कोर बनाया। इसके बाद कोलकाता की टीम 8 विकेट खोकर 186 रन ही बना सके। दोस्तों 4 बार के चैंपियन चेन्नई सुपर किंग टीम इस जीत के साथ पॉइंट टेबल में टॉप पर पहुंच गई है। अब उसके 7 मैचों में 5 जीत के साथ 10 अंक हो गए हैं। दोस्तों राजस्थान रॉयल, लखनऊ सुपर जायंट्स, गत चैंपियन गुजरात टाइटंस और रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर और पंजाब किंग्स के 8-8 अंक है। तो दूसरी छठे स्थान पर कोलकाता को 7 मैचों में 5वीं हार झेलनी पड़ी है और 4 अंकों के साथ 8वें नंबर पर। वहीं दोस्तों 236 रनों का विशाल लक्ष्य का पीछा करते हुए कोलकाता की शुरुआत बेहद ही खराब रही है। उसने अपने 2 विकेट महज 1 रन के स्कोर पर ही गंवा दिए। इसके बाद वेंकटेश्वर अय्यर 22 और कप्तान नीतीश राणा 27 ने भी कोशिश की, लेकिन इतने कामयाब नहीं हो पाए। टीम के लिए सबसे ज्यादा रन जेसन रॉय ने बनाए, जिन्होंने 26 गेंदों पर 5 चौके और 5 छक्कों की मदद से 61 रनों का योगदान दिया। उन्होंने 5वें विकेट के लिए रिंकू सिंह के साथ 65 रन जोड़े। वहीं दोस्तों इसमें पहले कोलकाता के कप्तान नीतीश राणा ने टॉस जीतकर चेन्नई सुपर किंग टीम को बल्लेबाजी का न्योता दिया। सीएसके के लिए अजिंक्य रहाणे ने ईडन गार्डन पर धमाल मचा दिया। दोस्तों उन्होंने 29 गेंदों का सामना करते हुए 71 रन बनाए और नाबाद लौटे। दोस्तों रहाणे की पारी में 6 चौके और 5 छक्के शामिल रहे। इसके अलावा डेवन कॉनवे ने 40 गेंदों पर 56 रनों की, जबकि शिवम दुबे ने 21 गेंदों पर 2 चौके और 5 छक्के की मदद से 50 रन ठोके। कोलकाता के कुलवंत खेजोरिया ने 2 विकेट हासिल किए, लेकिन 3 ओवर में 44 रन लुटा दिए। इसके अलावा सुयस शर्मा ने और वरुण चक्रवर्ती ने 1-1 विकेट हासिल किए। सुयस ने 29 रन दिए, जबकि वरुण चक्रवर्ती ने 49 रन लुटाए। तो दोस्तों आज की जानकारी में इतना ही। जानकारी अगर आपको पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करें, और चैनल पर पहली बार है तो दोस्तों आईपीएल से जुड़ी छोटी बड़ी अपडेट देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।